सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जहाँ पर तुम लोग कह रहे हो कि यार टॉप 5 फन स्कूल वेलेट्स के बारे में बताओ, टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फन स्कूल वेलेट्स के बारे में बताओ। वैसे टॉप 10 वाली वीडियो तो ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, बट मैं तुम्हें टॉप 5 के बारे में जरूर बता सकता हूँ। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे बेस के बारे में जो कि फन स्कूल इंडिया ने रिलीज किए हैं एंड वो सबसे ज्यादा लाइक पावरफुल एंड जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 5 वेलेट्स फन स्कूल इंडिया ने रिलीज किए हैं वही इस वीडियो में रैंक करेंगे। प्लस तुम इसे एज अ बाइंग गाइड भी समझ सकते हो कि कौन से टॉप 5 वेलेट है जो कि तुम्हें लेने चाहिए क्योंकि ये इंडिया में पहले ही रिलीज हो चुके हैं अगर तुम्हें मिले तो। एंड टेक्निकली तुम इस लिस्ट को एज अ टॉप 5 एवोल्यूशन वेलेट्स भी मान सकते हो बट विद लिमिटेड बेस क्योंकि फन स्कूल इंडिया ने सारे एवोल्यूशन वेलेट्स रिलीज नहीं किए थे, उसने कुछ ही एवोल्यूशन वेलेट्स रिलीज किए थे। एंड इस लिस्ट में मैंने सभी बेस को उनके स्टॉक कॉम्बो में रैंक किया है कि इसका मतलब जिस भी बे का स्टॉक कॉम्बो सबसे ज्यादा अच्छा होगा एंड वो सभी वेलेट्स को अपने स्टॉक कॉम्बो में हरा देगा वो इस लिस्ट में रैंक होगा। सो अब जबकि मैंने तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में बता दिया है तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब जो नंबर 1 फन स्कूल वेलेट है ये क्या है जो सबसे ज्यादा पावरफुल एंड जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फन स्कूल वेलेट है उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, बट अभी बात कर लेते हैं 5th प्लेस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फन स्कूल वेलेट के बारे में क्योंकि ये है सीज एक्सकैलिबर। सो अब सीज एक्सकैलिबर 5th प्लेस पर इसलिए रैंक करता है क्योंकि इसकी लेयर में तुम्हें मेटल स्वॉर्ड देखने को मिलती है जिसकी वजह से जो मेटल स्वॉर्ड वाला हिट होता है वो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल हिट होता है जिसकी वजह से ये अपने मोस्ट ऑफ अपोनेंट्स को तो बस्ट कर ही देता है। प्लस यही रीजन भी बन जाता है कि क्यों ये 5th प्लेस से आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसकी जो मेटल स्वॉर्ड है उसका वजन एक ही तरफ होने की वजह से ये वेव काफी जल्दी डिसबैलेंस हो जाता है एंड अपना सारा स्टैमिना लूज कर देता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं 4th प्लेस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फन स्कूल वेवलेट के बारे में क्योंकि ये है लेजेंड स्प्रेगन। सो अब देखो लेजेंड स्प्रेगन सीज एक्सकैलिबर से ऊपर इसलिए रैंक करता है क्योंकि पहले तो लेजेंड स्प्रेगन डुअल स्पिन है, प्लस लेजेंड स्प्रेगन की लेयर में भी मेटल देखने को मिलता है यानी कि उसकी गॉड चिप मेटल की बनी हुई है, प्लस लेजेंड स्प्रेगन का जो मर्ज ड्राइवर है उसमें रबड़ भी लगी हुई है जिसकी वजह से पहले तो उसे कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है बट अगर कोई बंदा कंट्रोल कर ले तो फिर वो काफी अच्छे अटैक्स एंड हिट दे सकता है एंड यही रीजन भी बन जाता है कि क्यों लेजेंड स्प्रेगन सीज एक्सकैलिबर से ऊपर रैंक करता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं 3rd प्लेस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फन स्कूल वेवलेट के बारे में क्योंकि ये है नाइटमेयर लॉन्गिनस। सो अब नाइटमेयर लॉन्गिनस सच का एक नाइटमेयर था इंडियन ब्लेडर्स के लिए क्योंकि अगर कोई भी बंदा नाइटमेयर लॉन्गिनस बंप एक्सट्रीम चुन के आ जाता था तो इंडिया में कोई भी ऐसा कॉम्बो ही रिलीज नहीं हुआ था जो कि उस कॉम्बो के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को झेल सके एंड अपना डिफेंस कायम कर सके क्योंकि इंडिया में ना ही हमारे पास बेरिंग ड्राइवर है ना ही हमारे पास अटोमिक ड्राइवर है। तो अगर कोई बंदा ये चुन लेता था तो लाइक वो सबसे ज्यादा पावरफुल कॉम्बो चुन रहा होता था, प्लस एवोल्यूशन के एरा में डिस्ट्रॉयर ड्राइवर भी एक काफी अच्छा रोल प्ले करता है एंड यही रीजन भी बन जाता है कि क्यों नाइटमेयर लॉन्गिनस 3rd प्लेस पर रैंक करता है। वैसे ये और भी ऊपर जा सकता था बट अभी जो ऊपर की तरफ तुम दो बेस देखने वाले हो उन्हें देख के तुम पक्का यही कहोगे कि नाइटमेयर लॉन्गिनस 3rd प्लेस पर ही रहना चाहिए। सो चलो अब बात कर लेते हैं 2nd प्लेस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फन स्कूल वेवलेट के बारे में क्योंकि ये है ड्रेन फैफनियर। सो अब देखो ड्रेन फैफनियर नाइटमेयर लॉन्गिनस से ऊपर इसलिए रैंक करता है क्योंकि उसमें नथिंग ड्राइवर आता है एंड नाइटमेयर लॉन्गिनस में कोई भी रबर टिप ड्राइवर नहीं आता, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रॉयर ड्राइवर आता है जिसके अटैक्स उतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं कि नथिंग ड्राइवर को लाइक रिंग आउट फिनिश ही कर सके क्योंकि नथिंग ड्राइवर में भी तुम जानते ही होगे वो स्प्रिंग वाला गेमिक है जिसकी वजह से वो अपोनेंट के अटैक्स को अब्सॉर्ब कर सकता है। तो उसकी वजह से नाइटमेयर लॉन्गिनस के मोस्ट ऑफ अटैक्स ड्रेन फैफनियर पे नहीं चलते हैं एंड यही रीजन भी बन जाता है कि क्यों ड्रेन फैफनियर नाइटमेयर लॉन्गिनस से ऊपर रैंक करता है। सो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 प्लेस के या क्या सबसे ज्यादा पावरफुल एंड जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फन स्कूल वेवलेट है उसके बारे में क्योंकि ये है नन अदर देन स्प्रेगन रेक्रियम। सो अब देखो इस बे के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम लाइक जानते ही होगे ये बे कितना ज्यादा गॉड लेवल का बे था एवोल्यूशन के एरा में एंड बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के एरा में क्योंकि इसकी लेयर में पहले तो तुम्हें सब कुछ देखने को मिलता है, मेटल भी देखने को मिलता है, रबड़ भी देखने को मिलती है, प्लस ये डुअल स्पिन भी है, साथ ही साथ इसकी जो जीरो डिस्क है वो वन ऑफ द हेवीएस्ट डिस्क है या कहूं थी एंड वहीं जो इसकी सबसे ज्यादा बेकार चीज है वो है इसका ड्राइवर जेटा। अब वैसे तो ये ड्राइवर 3 अलग अलग
अलग तरीके के मोड्स तुम्हें दे सकता है, बट स्टिल उन मोड्स की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। एंड मोस्टली टिप्स में ये अपना अटैक ही कर रहा होता है। अगर तुम लाइक बॉल टिप चुनते हो तब भी ये स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है एंड अटैक करता है जबकि इसे डिफेंस करना चाहिए था। तो हाँ, इस बे का बस एक मेन यही फ्लो है कि इसमें तुम्हें जेटा ड्राइवर देखने को मिलता है, बट इस बे की बाकी दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाइक टॉप टीयर है। सो यही थी आज की वीडियो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फन स्कूल बेवलेट के बारे में। एंड तुम्हारी क्या रैंकिंग्स होंगी, लाइक तुम किस फन स्कूल बेवलेट को नंबर 1 पोजीशन पर रैंक करते हो एंड किस फन स्कूल बेवलेट को लास्ट पोजीशन पर रैंक करते हो, तो अपनी रैंकिंग्स कमेंट जरूर करना। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है या इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मैंने अपना एक शॉर्ट चैनल भी बनाया है, उसे भी तुम चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर तुम्हारा कोई टॉपिक है जिस पे तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो अपने उस टॉपिक को कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ पाऊं। बट अभी के लिए तुम मेरे मेन चैनल एंड मेरे एक्स्ट्रा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो इसलिए सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।